हाँ तो भाई फिर कैसे आप सर? आज हम बात करेंगे फ्री फायर पाकिस्तान सर्वर के सबसे गंदे गटर पर। गटर से मेरा मुराद है गिल ने अपनी मशहूर आंटी डीएमटी फरिया का। गिल मशहूर है लड़कियों की वजह से। गिल इसलिए नहीं मशहूर कि गिल में लड़की है, बल्कि उन लड़कियों के स्कैम्स की वजह से मशहूर है। आधे फ्री फायर आईडी सेलर का स्कैम ले लो और इनके गिल का स्कैम ले लो, दोनों में तुम्हें कोई फर्क नहीं मिलेगा। आंटी फरिया के इतने ज्यादा चर्चे है कि कोई एक यूट्यूबर इतनी मेहनत से भी वीडियो बनाते तो उसकी वीडियो पे व्यूज नहीं आते, लेकिन ये लड़की किसी के गेम में आ जाए और वो वीडियो बना दे तो उस पे भी 1000 व्यूज में चले जाते हैं। जो इसको इमोट मारे उसके तो इससे भी डबल। सोच तो सुन लोग सकते हो कि लोग इससे कितनी नफरत करते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनकी पैदाइश पे खुसरे आके पैसे मांगे तो इसके अब्बू कहते हैं भाई तुम लोग बच्चा ही उठा ले जाओ। अब कहने से तो डीएमटी फरिया की आईडी इसकी है, उसपे खेलते कोई और लोग है। ये अपनी आईडी पे आधा घंटा भी नहीं खेलती और इसके आईडी में पूरे 5 लोग खेलते हैं जो इसको रीजन में रखते हैं। तो इसलिए अगली दफा जब ये तुम्हारी गेम में आए तो ये ना सोचना कि ये आई है, बल्कि इसके आईडी से कुछ और लोग होते हैं। और बात करते हैं इसके टॉपअप करवाने की। टॉपअप का ये सीन है कि ये किसी को भी कह देती है भाई टॉपअप कर दो मैं पैसे वापस कर दूंगी। सॉरी भाई नहीं बोलती, बस कहती है मैं पैसे वापस कर दूंगी। और माशाल्लाह अपने जवान जिन्होंने अपनी आईडी में भी कभी 100 का टॉपअप नहीं मारा था, वो इसके आईडी में 10,000 का टॉपअप करते हैं। और जब ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर सैड स्टेटस पे उतर आते हैं, यार सॉरी मैंने गलती से वीडियो बना दी, आंटी के बहुत ज्यादा ताल्लुकात है। इन आंटी के इतने ताल्लुकात है कि इनके ऊपर रोस्ट वीडियो बना दो तो तुम्हें फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम वाले और मोड्स आके धमकियां देते हैं। मतलब कि कुछ भी है जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती, जो करीना के कहने पे खाते हैं और निकालते हैं। अब फरिया की बात हो गई है तो अलीना की भी बात कर लेते हैं। ये भी फरिया के हर स्कैम में इसके बराबर की शरीक है। सही बात कहूँ तो फरिया को मैं इतने पुराने से नहीं जानता, लेकिन मैं अलीना को 1.5 साल पुराने से जानता हूँ। मुझे याद है एक विजेटा नाम का प्लेयर होता था जो अभी भी है, कश्मीर स्पोर्ट्स का विजेटा, जिसके पास रेड क्रिमिनल था। उसके साथ अलीना ने बहुत बड़ा स्कैम किया था। वो बंदा 2 महीने तक गेम पे नहीं आया था। उसके बाद उस बेचारे का ई-स्पोर्ट्स करियर सब कुछ खत्म। और रही बात इनके गिल्ड की तो इनके गिल्ड में जाने के लिए तुम्हें गेम प्ले नहीं चाहिए, बल्कि पैसा चाहिए। पैसा डायमंड्स होने चाहिए तुम्हारे अकाउंट में, क्रिमिनल होने चाहिए, सीजन 1-2 आना चाहिए। और जिनके साथ फ्रीया स्कैम करती है तो स्कैम से इसलिए बच जाती है कि उन्होंने उसने डरा के रखा हुआ है कि तुमने कोई भी बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जो बच्चे पिंडी बॉय बन के घूमते थे वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो कर लो मजे, आ गया मजा, आ गया स्वाद। तो इसलिए सीधी सी बात कहूंगा, गेम खेलने आते हो गेम खेल के जाओ, मजे करके जाओ, इन चक्करों में ना पड़ो। मैंने तुम लोगों को बता दिया बाकी तुम लोग जो मर्जी करो, उससे मेरा वास्ता नहीं है। एक बात तो मुझे भी पता है, तुम लोगों ने मेरी बात सुननी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये बात 10 सालों से बता रहे, तुमने उनकी नहीं सुनी, मेरी क्या खाक सुनोगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सानू तानू दसण दी ना लोड़, असी की शै आ दुनिया नू पता, पिंडी जो शहर मंगदे हो किन्ना, पर मिलदी कोई खैर ना तो छोटे वैर ना पावी। एक तो एक पत्ते हरामी रहंदे, बस हाल च भूल जांदे माजी, सोंदे सवेरे ते गड्डियां ते राती, चलांदे गाने उच्चे पुराने पापी, पर वड्डा है दिल साडा। ठुक 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 के